क्या आज हम बाहर जाने वाले हैं? फाइनली जिस दिन का मैं वेट कर रही थी कितने दिनों से, मैं तो रेडी हूँ, चलो चलते हैं। परी मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, काम से तो नहीं, एक्चुअली मूवी देखने जा रही हूँ बाहर मेरे दोस्तों के साथ। और मम्मी बाप तो ऑफिस गए तुम्हें पता है, और घर का चाबी तुम्हारे पास होगा तो मुझे कॉल करना और बोलना अगर कहीं जाना है तो चली जाना खुद, तुम्हारे पास तो साइकिल है, तुम जैसे भी चाहो जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन याद रहे मेरे परमिशन के बिना नहीं, एक्चुअली मेरे रूम के अंदर अपना पैर डालना भी नहीं, वरना तुम्हें तो पता है मैं क्या करूँगी। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेट हो जाएगा। Meanwhile फाइनली ये चुड़ैल चली गई, पता नहीं कितना बकबक करती रहती है। ओह अभी मेरा बारी है, चलो मेरी फ्रेंड मेरे को बुला रही थी बर्थडे पार्टी के लिए, अब मैं उसके लिए जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। लेकिन मेरे तो सारे अच्छे अच्छे कपड़े गंदे हो गए हैं, दीदी का कपड़ा पहन लेती हूँ क्या हो जाएगा, वो तो मूवी देखने गए हैं उनके वो फ्रेंड्स के साथ, तो एक दो मतलब 4 घंटे लगा देते हैं, तब तक तो मैं आ भी गई होंगी। जल्दी से उनका ड्रेस पहन लेती हूँ। अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कौन सा वाला पहनूँ? ये वाला आई गेस, ये वाला मेरे को फिट हो जाएगा। 5 minutes later चलो ओके अभी ये तो मेरा हो गया है। ओ ईयरिंग तो मैं भूल ही गई, ईयरिंग्स लगा देती हूँ। ओ कौन सा वाला लगाऊं? ये वाला तो मैच ही नहीं कर रहा, ये वाला देखते हैं कैसा लगेगा। ओके ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला ये पहन लेती हूँ। जल्दी से मुझे रेडी होकर जाना पड़ेगा, क्या होगा दीदी आ जाएंगे और फिर मैं तो गई। हाँ बिल्कुल रेडी हूँ, अभी चलो चलती हूँ मैं अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में। ये जो ड्रेस है ना दीदी में ना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं जल्दी से जाती हूँ नहीं तो लेट हो जाऊँगी। 6.5 hours later तो थक गई हूँ, 7 बज रहे हैं। लगता है परी घर पे नहीं है, गई होगी कहीं बाहर, चलो मैं खुद खोल के चले जाती हूँ। एक सेकंड, लेकिन परी ने तो मुझे कॉल नहीं किया बाहर जाने से पहले, घर पे कहीं छुपी है क्या या बाहर चली गई? छोड़ो मेरा क्या, मैं तो आराम से सोऊंगी, जाने दो चुड़ैल को जहाँ जाना है। 5 minutes later लगता है दीदी अभी तक घर नहीं आया है, जल्दी से इस ड्रेस को खोल देती हूँ, वैसे भी कितना अनकंफर्टेबल है इसका, जल्दी से चल देती हूँ। एक सेकंड, आप कहाँ जा रही हैं मैडम? आपका ये जो ड्रेस है ना उसको पहन। एक सेकंड, याद है तूने मेरा ड्रेस क्यों पहना? मैंने तुझे मना किया था ना। मैं आपका ड्रेस पहनी थी देखने के लिए कि कैसा लगेगा, जब मैं बाहर गई आपका ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आर यू श्योर? तुम 7 बजे से 8 बजे तक सिर्फ ये ड्रेस पहन के बाहर घूम रही थी? आपको कैसे पता चला कि मैं 7 बजे से 8 बजे पिन पॉइंट तक यही ड्रेस पहनी थी? क्योंकि मैं 7 बजे घर पहुंची हूँ। लेकिन आप 1 घंटा तक यहाँ क्यों बैठे थे? मेरी मर्जी वो। और सुनो, नहीं। आप 6 बजे गए थे, मूवी 3 घंटा चलता है तो वो पॉइंट नहीं है, तो मेरा ड्रेस क्यों पहनी? मैंने मना किया था मेरे रूम से जाने के लिए। तो आप क्या हमेशा मेरा मेकअप यूज नहीं करते, मेरे चीजें यूज नहीं करते? मेरे पास पूरा एक लिस्ट है, अगर क्या लिस्ट है मैं बताऊं? मैं दिखाती हूं, रुको। इस बार के तो मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, अगर मम्मी को पता चल गया तो मेरी टाइटा फिस हो जाएगी, तो फाड़ ही देती हूँ। बाय बाय टेस्ट पेपर। वाह दीदी वाह, तो फिर ये करने आप यहाँ पे आते हो? हाँ मम्मी को तो नहीं बताओगे ना प्लीज? देखो मैं तुम्हें सारे चॉकलेट्स दूंगी जो भी तुम्हें चाहिए, चिप्स कुछ मिल जाएगा। नहीं मेरे को सोचना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी तो फिर उसके लिए एक फेवर चाहिए मेरे को। सिर्फ एक ना? मुझे तो लग रहा था खर्चा करवाएगी। चलो मेरा सस्ते में ही निपट गया। तो फिर सुनो, मैं आपको ना मेरा जो स्टडी टेबल है, पूरा रूम है, वो सब क्लीन करना है। और हाँ, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा टॉय रूम, मेरा ड्रेसिंग टेबल, सब। ओके, इवन माय वार्डरोब। तुम्हारा वार्डरोब कूड़े खाने से कम नहीं है, उसको मैं क्यों साफ करूं? करना पड़ेगा। क्यों भाई, तेरी नौकर दिखती हूँ? मम चिल, तू तो मेरी प्यारी बहन है, तेरे लिए तो मैं सब कुछ कर लूंगी। ठीक है, अभी के लिए ये तो नहीं, ये दो, रहने दो। जिया जिया, पकड़। कुछ नहीं जिया, बस ऐसे ही थोड़ा सा चोट लगी थी इसलिए। I'll manage। तो ऐसा करो, चुड़ैल को एक लात मार के उड़ा दो। Approximately 10 hours later। हो गया सारा कुछ साफ, जाओ टीवी देखने। ओ हाँ, और एक चीज, जिया आपको बुला रहे हैं, कुछ एक ऐसा काम है। बुला रहे हैं? हाँ। तूने उनको बोला तो नहीं? वो क्या वाकई ऐसे फ्लो में ना वो निकल गया मुंह से। तेरी ऐसी की तैसी। जाओ जाओ जाओ, जिया बुला रहे हैं। जिया, प्रियांशी, क्या हुआ? ये ऐसा मार लाई हो? तुझसे तो मैं जिया, दीदी मेरे को मार रहे हैं। प्रियांशी, मैं तुझसे तो बाद में निपटूंगी। चुड़ैल, क्या करूं? ये चुड़ैल तो अभी सोई है। आइडिया, उनका एक गंदा सा फोटो भेजकर लेकर उनकी सारे फ्रेंड्स को भेज दूंगी। चलो सेंड कर लेती हूँ। हैशटैग मैं हूँ चुड़ैल और मेरी बहन परी। सेंट रानी, रोनी, रक्षता, प्रियंका, सराना, सबरा और राहुल। चलो पापा आई चुड़ैल। उनका मोबाइल है, यहाँ ही रहने दो। बढ़िया नींद मार ली। ये क्या है? मेरी घटिया फोटो उठा के मेरे सारे दोस्तों को भेज दी। पक्का उस चुड़ैल का काम होगा। पर ये चुड़ैल की बच्ची डायन, जंगली जानवर, कहाँ है तू? मेरी घटिया फोटो उठा के मेरे सारे दोस्तों को भेज दी। मगरमच्छ, मैं तो यहाँ पे छुप हुई हूँ। जब तक मैं निकलूँ ना, आप मेरे से नहीं भिड़ पाओगे। चुड़ैल पागल, रुक, मम्मी को बोलती हूँ। मम्मी प्लस ऑब्जेक्ट। परी, हाँ, आज बाहर जाना है, अभी हमको 6:30 में। तैयार हो जाओ जल्दी से, वहाँ पे बहुत मजा आएगा। राइट? यस। ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हाँ, खत्म हो गया। फाइनली ग्रामर खत्म हो गया और अभी तो मेरा टेंशन फ्री है। और अभी मैं जाऊंगी बाहर। मैं सब अपना मोस्ट कैजुअल ड्रेस पहनती हूँ। हाँ, यस, चलो। प्रियांशी, हाँ? आज बाहर जाना है इवनिंग को। मामा जी बोले थे ना आप लोगों को वंडरला लेके जाएंगे। वंडरला? तो जल्दी से तैयार हो जाओ। परी को मैं बोली हूँ, तैयार हो रही है वो। मैं तो मेरा सबसे ज़्यादा स्टाइलिश वाला ड्रेस पहनूंगी, जिससे सबकी नज़र मेरे ऊपर होगी। 5 minutes later। वो मेरा वॉच ठीक है। हेलो, तू मेरे जैसे कपड़े क्यों पहनी है? एक्सक्यूज मी, आप क्या मेरा फैशन सेंस कॉपी कर रहे हो? कॉपी कैट। एक्सक्यूज मी, जिसके पास शक्ल है ना, अगर उसका फैशन सेंस कॉपी करे मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं लगता आपके पास कोई फैशन सेंस है, नहीं इसलिए मेरे को कॉपी कर रहे हो। क्या अगर वैसा हो, अगर मैं अभी खुद को देखूं ना तो उल्टी करने का मन होगा तेरे जैसे। आप तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, आप चेंज करके आओ। ये देखो ये क्या है, नॉट इवन ट्रेंडी। जाओ आप चेंज करो, मेरे को नहीं करना। हेलो चुड़ैल, जा प्लीज। आप मेरे से बड़े हो तो फिर आपका ये बाल भी सुंदर ही नहीं लगा तो फिर अच्छे से देखो। मैं लायर लायर पैंट्स ऑन फायर, कभी शर्म नहीं आती कि हमेशा झूठ बोलते रहते हो? अबे ओए, मुझे अगर किसी का फैशन सेंस फॉलो भी करना होता है फिर कॉपी करना होता तो मैं तेरा क्यों करती? तेरा फैशन सेंस वैसे भी छपरी है, और वैसे भी ये घर वाला ड्रेस जैसे पहन के कौन भला बाहर जाता है जो। ओ हेलो, ये लेटेस्ट फैशन है, ये आजकल का फैशन नहीं है। नाइट सूट जैसे दिख रहा है, कोई घर का पहन करो। जब सोने जा रहे हो कि बाहर? बाहर जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता, तुझे लगना या ना लगना मेरा क्या फर्क पड़ता है। बेटा परी, प्रियांशी, आप लोग तैयार हो गए या क्या कर रहे हो? मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं भी नहीं चेंज कर रही हूँ। आप जाओ चेंज करो। चल चल चुड़ैल, चलो चलो चलो, कॉपीकैट। The next day. Okay, grip से ये gear. इतना बड़ा सा है, पापा को इतना बड़ा साइकिल ही लाना था क्या? हो गया हो गया हो गया, ये अबे तू गिर गई, क्या हुआ? रोना बंद कर, रोना बंद कर, रोना बंद कर। खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। किधर चोट लगा, किधर चोट लगा? नो, ये साइकिल को मैं उठा लूंगी, तू लिफ्ट से घर जाने की कोशिश कर, ठीक है? हर सुन, मेरी वो फोटो डिलीट करना, इतनी मदद कर रही हूँ तो डिलीट तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली है, फिर फेंक दूंगी तुझे फिर से वो साइकिल से। चल फेंक दे। जो बोला है ध्यान से साइकिल चलाया कर, कभी सुनती ही नहीं है। अब लग गई ना चोट बेचारी। दीदी ऐसे नहीं लगाना, जैसे लगाए लगाए। शुक्र कर मैं लगा दे रही, और कोई दीदी होती तो लगाती भी नहीं। लगाते हैं हाँ, आपसे तो अच्छी होगी। रहने दे, बताओ मम्मी को कि साइकिल हाँ? से गिर गई। अभी कितने ताने सुनने पड़ेंगे? बोलो नहीं सुनने पड़ेंगे हाँ? पापा को बोल दो, क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, वो खुद इतना बड़ा साइकिल है, मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मैं गिर गई। ठीक है कोई बात नहीं, इस बार गिरिए, नेक्स्ट टाइम नहीं गिरना। ध्यान से साइकिल चलाना, समझी ना? मैं तो रोज गिरती हूँ, डेली रूटीन बन चुका है रोज का गिरना। मजा आता है गिरने में, नहीं? सो हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो सिर्फ फन एंड फन के लिए था। हम लोग असली में झगड़ा करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं क्योंकि बहनें तो ऐसे होते ही हैं, झगड़ा भी करते हैं फिर उनका प्यार भी पूरा बरसता है। हाँ, और आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके कोई भाई और बहन है और आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं एंड ऑल, आपके स्टोरीज बोल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe, and don't forget to click the bell icon. Bye.